हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो प्राइम ऑफर के बारे में जो आज ही मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया है। तो इस ऑफर में आपको क्या करना होता है, इसमें आपको 31 मार्च से 31 मार्च के बीच एक 99 का रिचार्ज कराना होगा, जो कि एक आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जिससे आपको 31 मार्च से 1 अप्रैल 2018 तक आपको एक ऑफर मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आप हर महीने मिनिमम 303 रुपये का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो उससे आपका जो सेम हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है, जिसमें आपको 1 GB डेली की लिमिट और उसके बाद अनलिमिटेड जो है वो सेम ऑफर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। उसके लिए आपको एक बार एक साल का 199 रुपये का रिचार्ज कराना है, उसके बाद हर महीने 303 का रिचार्ज कराते जाएंगे तो आपको हर महीने 30 GB 1 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता रहेगा। उसके अलावा जियो ऐप्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा, कॉलिंग का कोई चार्ज नहीं है, कॉलिंग, रोमिंग, STD सब कुछ बिल्कुल अनलिमिटेड है जैसे आपका हमेशा से था। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा सबको बता दूं, आपको सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू रखना है, बस 1 मार्च से 31 मार्च के बीच उनकी वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा। आप किसी भी टाइम इस बीच आप एक बार सिर्फ 99 का चार्ज करेंगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा इस प्लान में, और उसके बाद आप जब जब इस प्लान को लेना चाहें 303 का रिचार्ज करें मिनिमम। उसके आगे और भी ऑफर्स हैं जो हम एक और वीडियो में बताएंगे, आपको एक बार रिचार्ज करना है और ये प्लान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है, आपको 30 GB मिल रहा है 303 रुपये में, उसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिल रहा है, और आपकी जो लिमिट है वो 1 GB के बाद अनलिमिटेड हो जाएगी, और रात का 2 से 5 भी अनलिमिटेड है। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये फिर से अनलिमिटेड हो जाएगा या 4 GB हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ये 1 GB का ही इसमें साफ मेंशन है कि आपको जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर मिलेगा जिसमें आपको 1 GB की लिमिट मिलती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको वैसे तो अभी इनका नेटवर्क स्टेबल नहीं था, स्पीड बहुत डाउन हो गई थी, 4G की स्पीड 2G और 3G के बीच में आ गई थी, तो बहुत से इश्यूज थे, फिर भी इन्होंने ये प्लान लॉन्च किया। तो अब जियो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या स्पीड मिलती है, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। 100 मिलियन इनके यूज़र्स हो गए हैं ऐसा मुकेश अंबानी जी ने कहा है, और जो कि सच भी हो क्योंकि हर कोई अब जियो मोस्टली यूज़ करने लगा है। तो देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है, कितने यूज़र्स उस पर रहते हैं, किस पर नहीं रहते हैं। हाँ, अगर स्पीड फिर से इम्प्रूव हो जाती है अच्छी, तो मेरे हिसाब से ये प्लान काफ़ी अच्छा है, आपको 10 रुपये 1 GB के करीब देना है, 300 रुपये में आप पूरा महीना 30 GB यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको 2 से 5 अनलिमिटेड मिलेगा प्लस कॉलिंग मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा अभी तक कोई कंपनी प्लान दे रही है, तो आपको ये ट्राई ज़रूर लेना चाहिए। बस कोशिश ये रहे कि एक बार इनकी स्पीड फिर से अच्छी हो जाए और हम लोग अच्छा डेटा का मज़ा उड़ा सकें, और 99 रुपये एक बहुत छोटा सा चार्ज है एक साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो तो कोई इशू नहीं है, बस सबसे ज़्यादा इशू है कि स्पीड और नेटवर्क स्टेबल हो जाए। तो अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो आप कमेंट बताएं कि आप क्या इस प्लान के साथ जाना चाहेंगे या नहीं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।